प्रदेश में नकली शराब के उत्पादन और परिवहन पर प्रभावी रोक के लिए लागू होलोग्राम सिस्टम को विधानसभा चुनाव को देखते हुए अब और ज्यादा सख्त किया गया है। इसमें लापरवाही अब जिम्मेदारों की जेब पर भारी पड़ेगी। लेकिन क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए फर्स्ट इंडिया न्यूज की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। नकली शराब के उत्पादन और उसके परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण लगाने और ग्राहकों तक असली मदरा की आपूर्ति के लिए आबकारी विभाग की ओर से प्रदेश में होलोग्राम सिस्टम लागू है। शराब की बोतल पर लगा होलोग्राम शराब के वैध होने और उसके असली होने का प्रमाण है। आपको सबसे पहले बताते हैं कि ये सिस्टम आखिर क्या है और इस सिस्टम में किस तरह सेंध मारी की जा रही है। आबकारी विभाग की तरफ से हर तरह की मदरा की आपूर्ति लाइसेंस धारियों को की जाती है। लाइसेंस धारी की दुकान से शराब ग्राहक तक पहुंचती है। शराब का जहां उत्पादन होता है उस इकाई में उत्पादित बोतलों के अनुसार होलोग्राम दिए जाते हैं। आबकारी विभाग की ओर से ये होलोग्राम उत्पादन इकाइयों को उपलब्ध कराए जाते हैं। इन्हें इकाइयों में बोतलों पर होलोग्राम लगाया जाता है। ये होलोग्राम लगी बोतलें इकाई से गोदाम फिर दुकान से होते हुए ग्राहक तक पहुंचती है। बोतल पर लगे होलोग्राम के क्यूआर कोड को एक्साइज सिटीजन ऐप के माध्यम से स्कैन किया जा सकता है। क्यूआर कोड को स्कैन करने पर शराब के उत्पादन की इकाई, उत्पादन की तिथि, ब्रांड और बोतल में शराब की मात्रा सहित तमाम जानकारी उपलब्ध हो जाती है। ये होलोग्राम शराब के असली होने की पूरी गारंटी है। पिछले कई दिनों से उत्पादन इकाइयों से होलोग्राम चोरी होने की घटनाएं सामने आई हैं। आबकारी दस्तों की धरपकड़ में राज्य में आने वाली अवैध शराब की बोतलों पर भी ये होलोग्राम दिखाई दिए। साथ ही नकली होलोग्राम लगी अवैध शराब की बोतलों को आबकारी दस्तों ने बरामद किया है। चोरी किए गए होलोग्राम का दुरुपयोग अवैध और नकली शराब की बोतलों में किया जा रहा है। होलोग्राम की चोरी रोकने और इस सिस्टम को और प्रभावी बनाने के लिए विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आबकारी आयुक्त ओम कसेरा ने आदेश जारी किए हैं। इस आदेश के तहत मदरा बनाने वाली इकाइयों की जिम्मेदारी तय की गई है। पहली बार इन इकाइयों से वसूली की व्यवस्था लागू की गई है। होलोग्राम प्रिंटिंग प्रेस से जारी होने के बाद उसके सुरक्षित परिवहन और भंडारण की जिम्मेदारी मदरा निर्माण इकाई की होगी। होलोग्राम चोरी या गुम हो जाती है तो संबंधित मदरा निर्माण इकाई से वसूली जाएगी। IMFL और देशी मदरा की बोतल का होलोग्राम चोरी या गुम हो जाता है तो जितने होलोग्राम चोरी या गुम हुए हैं उसके अनुसार 750 मिलीलीटर बोतल, बियर की बोतल का होलोग्राम चोरी या गुम होने पर 650 मिलीलीटर तक की बोतल पर लागू आबकारी ड्यूटी, अतिरिक्त आबकारी ड्यूटी, परमिट फीस और वेंड फीस आदि की वसूली मदरा निर्माण इकाई से की जाएगी। अगर होलोग्राम में 0.2% से कम नुकसान हुआ है तो वेस्टेज होलोग्राम का पूरा रिकॉर्ड संधारित किया जाएगा। वेस्टेज होलोग्राम को निर्धारित अधिकारियों की देखरेख में इस 30 नवंबर तक नष्ट किया जाएगा। अगर होलोग्राम की क्षति 0.2% से अधिक है तो अतिरिक्त आबकारी आयुक्त जोन की देखरेख में नष्टीकरण किया जाएगा। खराब होलोग्राम की नष्टीकरण सहित लागत संबंधित इकाई को वहन करनी होगी। होलोग्राम को निस्तारण करवाकर हर महीने की 15 तारीख को मुख्यालय को रिपोर्ट भेजेगी। किसी इकाई का कर्मचारी होलोग्राम के दुरुपयोग का दोषी पाया जाता है तो संबंधित इकाई उस कार्मिक के खिलाफ कार्रवाई करेगी। संबंधित इकाई ऐसा नहीं करती है तो विभाग की ओर से उसे इकाई के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आबकारी आयुक्त ने सभी जिम्मेदार अधिकारियों को ये हिदायत दी है कि वे कम से कम महीने में एक बार मदिरा निर्माण इकाइयों का आकस्मिक निरीक्षण करेंगे। इस दौरान ये अधिकारी ये सुनिश्चित करेंगे कि होलोग्राम का दुरुपयोग नहीं किया जा रहा है। साथ में ये भी देखेंगे कि रोजाना काम में आने वाले इन होलोग्राम का रिकॉर्ड संधारित किया जा रहा है या नहीं। कैमरा पर्सन इकबाल के साथ अभिषेक श्रीवास्तव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।